तो बहुत सारे व्यूअर्स के बोलने पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरा कुकिंग व्लॉग। तो अच्छे से मिक्स मिक्स कर लिया ना हम लोगों ने। हाँ जो है ना, हमारी जो कढ़ाई है उसके अंदर बॉईल आना शुरू हो गया हल्का हल्का। चलो जी, ये निकल गया है जी हमारा। ठीक है पापा, आप पहले टेस्ट करके बताओ। रोटी निकल के दो। हटा दी मैंने। कैसा है? मैंने खाया, वो सही है। चल आ हा हा हा, ये इधर भी दिखाओ भाई गाइस को, हम दिखा रहे हैं। छुट्टी काम से और आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबकी फरमाइश पे चिकन कढ़ाई। तो आज हमारी किचन में बनने वाली है व्हाइट कढ़ाई विद कराची की लड़की। तो भाई चलिए। अच्छा, मैं रीजन ये है ना बनाने का खाना, क्योंकि अगर हमारे किचन में फुल टोटली सामान नहीं होता ना, जैसे पूरा राशन नहीं होता, तो मैं खाना बनाना नहीं आती, क्योंकि एक भी चीज मिस होना मुझे पसंद नहीं है ऐसे खाना बनाना, समझा करो बात को। तो भाई यहाँ जो है मैंने सारी सेटिंग कर ली अपने किचन की, और इंशाल्लाह सून हमारा किचन भी रेन्यू होगा। बट अभी आप लोगों को पता है कि हालत कैसे है पाकिस्तान के, तो जैसा है वैसे ही है। बट अल्लाह का शुक्र है कि अपना है, खुद का है, जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना होना चाहिए, किराए से बचे हैं, बस इतना काफी है। तो भाई यहाँ जो है ना, अभी हम लोगों ने प्याज को चॉप किया, कटिंग की प्याज की, और हम लोगों ने व्हाइट कढ़ाई के लिए क्रीम मंगवाई, जो कि आप किसी भी शॉप से मंगवा सकते हैं। तो ये डेली क्रीम हमने मंगाई है, क्योंकि व्हाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो कढ़ाई की मतलब क्रीम की तो लाजमी हमें जरूरत पड़नी है। और ये रेसिपी मेरी खुद की है, और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि भाई आप अपनी, आपको खाना बनाने नहीं आता। भाई मुझे खाना बनाना आता है, मैंने सब सीखा हुआ, मुझे बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, कलेजी सब बनाना आती है, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, बिकॉज रीजन ये है कि किचन में सामान मौजूद नहीं होता पूरा। तो आज मैंने अपने पैसे खर्च किए, ये सब सामान मंगवाया, और आज मैं कुकिंग करने खड़ी हुई हूँ। तो भाई ये मेरी खुद की रेसिपी है, इसको मैं आपको बनाने का तरीका, रेसिपी बताने वाली हूँ, खुद टेस्ट करके आप लोगों को सबको बताने वाली हूँ कि भाई मेरा हाथ में क्या टेस्ट है, और सबसे रिव्यू लेने वाले हम घर वालों से। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है ये चिकन। ठीक है, चिकन के पीस आप लोग देख सकते हैं, ये 1.25 किलो चिकन मैंने मंगवाई है, और ये हमने वॉश कर ली अच्छे तरीके से, और इससे हम जो है ना इसको पीसने वाले हैं, ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर हम साथ ही डाल लेंगे तो इससे कोई टेस्ट नहीं आता। तो अभी जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे, और पीछे से मम्मा मेरी हेल्प भी करेंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अकेली तो कर नहीं सकती, पहली बार किचन में आई हूँ। तो इसको जो है ना हम लोग ग्राइंड करेंगे अच्छे से, एंड देन हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को साथ साथ बताते भी रहते हैं। तो भाई अभी जो है ना हम ग्राइंड करने लगे हैं हमारी हरी मिर्चें, हल्का सा पानी हमने ऐड करना है इसके अंदर, और ग्राइंडर की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो हम इसको पीस कर जो है ना ग्राइंड करके आप लोगों को मिलते हैं। तो भाई ये मैंने ग्राइंड कर लिया, हल्का सा करना है ऐसे। ऐसा मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हो गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है, पहले हमने ये सब चीजें ग्राइंड कर लेनी है, और फिर हम लोगों ने लगाना है चिकन को मसाला। ठीक है, तो भाई मैं और मम्मा हम साथ दोनों मिलके कुकिंग करने वाले हैं, लेकिन रेसिपी मेरी ही ऑब्वियसली। ठीक है, बस मम्मा मेरी हेल्प करवाएंगी छोटी मोटी, ठीक है, जैसे कि बर्तन धो के दे दिए, जैसे कि बता दिए गलत कर रही हो। तो भाई अभी हमने जो है ना प्याज को ड्राई करना है हल्का सा, और इसको लाइट ब्राउनिश सा जो ना हम लोगों ने वो कर लेना है, क्या कहते हैं उसको मम्मा, सेकना है, सुनहरा सुनहरा। हाँ, सुनहरा सुनहरा। लेकिन सुनहरा सुनहरा करने के लिए ना गाइस ऑयल भी डालना पड़ता है पतीली में। हाँ सॉरी, जिसको ये प्याज लेके कड़ी में ना, इसके लिए सुनहरा सुनहरा होने के लिए ऑयल डलता है, पता है हमें।
पता है मुझे। वो तो दो कोई कटोरी छोड़े थे बाहर दो जगह। उड़ चली सब घर हिला। अम्मा अम्मा दे दो। सूप की रेड़ लगा रही है आपकी। बेटा पुराना हो गया। दस दस पहन चुकी हैं। नया प्यार है एक कप ऑयल ले लेना आपने। इतना सा कप प्यार है। हाँ ये वाला। ओके ये वाला कप आपने ऑयल लेना है। अब इसको आपने क्या करना है फ्राई अच्छे से फ्राई करना ब्राउनिश कर लेना सुनहरा। हम लोग चिकन को मसाला भी लगा रहे हैं साथ साथ और अपनी जो है ना प्याज को ब्राउन भी करना है साथ ही साथ। तो हमने एक कप ऑयल लिया है ठीक है। और ये वाली हमारी प्याज है सारी। बिस्मिल्लाह माँ हेल्प नहीं करवानी है आपने मेरी। हल्की फुल्की करवानी है बस। लोगों को दिखाना है मैं भी पकाती हूँ। अच्छा आप बनाती हैं। अच्छा अच्छा लहसुन पकड़ो सर। हाँ गाइस हाँ हाँ ये बनाती हैं। हाँ हाँ गाइस ये बनाती हैं। हाँ हाँ बनाने दो बस। तो भाई यहाँ जो ना हम लोग इसको मसाला लगा रहे हैं। तो हमने ग्रीन चिली का मसाला बनाया था ना और इसमें और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। कितने चमचे डालना? एक दो चमचे ठीक है। दो चमचे डाल दो। मैं बता रही हूँ ना मेरी रेसिपी है। हाँ हाँ यहाँ ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। सब डालते हैं ना तुम्हारी रेसिपी है तो क्या हुआ। हाँ चलो दो चम्मच हमने डाल दिए इसके अंदर लहसुन अदरक और चिली पेस्ट डाल दिया हमने दो चम्मच। और बाकी जो है ये स्टोर करना है अभी हमने स्टोर करके रखना है ठीक है। अब इसको जो हमने लाइट ब्राउन ब्राउन सा कर लेना इसके अंदर हम ऐड करेंगे दो चमचे दही के बड़े वाले ठीक है। 1-2 स्पून ठीक है। और मसाले कितना नमक अच्छे से मिक्स करेंगे बाद में। ये जीरा पाउडर ये आ गया जी जीरा पाउडर। और कितने चमचे डालने हैं? एक चम्मच जीरा पाउडर डालना है ठीक है। अच्छा दी तो इसके अंदर मिसिंग है हमारी काली मिर्च पाउडर ठीक है। तो जैसे ही वो आता है तो हम उसको भी इसके अंदर ऐड करते हैं। फिर जो है ना अपनी जो लाइट ब्राउन हमने वो कर ली ना प्याज उसके अंदर ऐड करना है ये सारा मिक्सचर बनाकर। तो हमने इसको कर लेना अच्छे से मिक्स ठीक है। काली मिर्च पाउडर पापा को हमने लेने भेज दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हम लोगों ने। हम हाथों से नहीं कर रहे क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं है। क्योंकि कराची में जो ना आजकल बड़ी शॉर्टेज चल रही है पानी गैस इन सब चीज़ों की। तो 3 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं आया वो टेंशन अलग। और अब जो है ना खाना भी पकाना है आप लोगों को रेसिपी भी शेयर करनी क्योंकि हमारे पास व्लॉग्स है नहीं तो क्या कर सकता है बंदा। तो पानी को भी बर्दाश्त करते हुए और साफ़ सुथरे तरीके से हमने ना चिकन भी पकानी है मतलब कढ़ाई पकानी है ना। तो यहाँ देखो मैंने मिक्स कर लिया इसको मिक्स कर लिया अच्छे से ठीक है। अब इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालना है और इसको भी हमने अच्छे से लाइट ब्राउन होने देना है। असल में गैस का मसला है आज हमारे पास तो जल्दी ये ब्राउन भी नहीं हो रही। तब तक काली मिर्च पाउडर आती है ये ब्राउन होती है हम आपको उसके बाद दिखाते हैं। मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा है इतनी मेहनत कसम है वल्लाह। तो अभी जो है ना हमारी लाइट ब्राउन सी हो गई है प्याज। अब इसके अंदर हमने इसको मिक्सचर को ऐड करना है ठीक है। इसको रख देते साइड पे। मम्मा डाल दूँ ना मैं डाल दूँ? मम्मा से पूछ के करना पड़ेगा ना कहीं गलत हो गया तो ये चिकन की ना बढ़ गई प्रोग्राम तो बढ़ गया। डाल दें आगे हेल्प तो कराओ थोड़ी पकड़ेगा कौन बंदा कैमरा भी पकड़े खाना भी बनाए क्या क्या करे भाई। चलो आप डाल दो मैं जरा दिखा देती हूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चम्मच राम राम चिकन डालो बिस्मिल्लाह। हाँ जो है ना हमने अपनी चिकन को जो है ना ऐड कर दिया हमारे जो मिक्सचर बनाया था हमने ब्राउनिश प्याज की थी ठीक है। अब जो है ना हम इसको दम पे लगाएंगे दिखाओ ज़रा ठीक है। दरमियानी आँच पे हमने लगाना है इसको दम पे मीडियम फ्लेम पर। और अब जो है ना 15 मिनट बाद इसकी हमने भुनाई स्टार्ट करनी है। तब तक हम इसका ऑयल जो है ना ऊपर आने देते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा 15 मिनट के लिए वेट करें। हम आपको चुटकियों में मिलता है मतलब छोटे से ब्रेक के बाद मिलता है आपको। हाँ जो है ना हमारी जो कढ़ाई है उसके अंदर बॉईल आना शुरू हो गया हल्का हल्का। तो हम जो है ना ये काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर क्योंकि हमारा काली मिर्च पाउडर इसके अंदर से मिसिंग था हमने पापा को लेने भेजा था। तो अब हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च पाउडर का 1 चमचा 1 टेबल स्पून ठीक है।
हाँ हमने बाहर से खुला साशा मंगाया था क्योंकि हमारे घर में राशन खत्म हो गया, मिक्स काली मिर्च खत्म हो गई है, तो हमने खुला साशा मंगवाया है 10 रुपीज़ वाला, ये जो होता है ना लज्जत भरा ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, तो ये हमारा पूरा एक गल गया इसके अंदर, तो अब इसको हमने क्या करना है गलने देना है 10-15 मिनट। तो भाई इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, नमक ठीक है, और बोटियाँ देखेंगे गल गई हमारी, ठीक है सही गल गई। नमक कितना डालना पड़ेगा, एक चुटकी हसबी जायका। ओके ओके, ये तो हमें पता है, आती है मैं रेसिपी। पापा आज आपकी बेटी खाना बना रही है, देख लो खा ले हम लोग अल्लाह करे, तो कर जाओ खा लेना। चलो गाइस ये हमारी क्रीम किधर गई, ये लीजिए हमारी ड्रीम डेरी कप मैं खाक की क्रीम। ओके इसको हमने खोलना है ना, हां ये डिश आउट होगी फिर ऊपर से डलेगी, ऊपर से डलेगी हां। चलो बाद में अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। हम असल में 15 मिनट हो गए थे इसे रखे रखे मतलब दम पे ना, तो हमने सोचा कि भाई इसे चेक कर लें कि भाई बोटियाँ गली है कि नहीं गली, और इसके अंदर नमक ऐड करना था हमने क्योंकि हसबैंड जायका नमक नहीं डाला था हम लोगों ने, तो अब जो है 15 मिनट के बाद हमने इसके अंदर नमक डाल दिया, बोटियाँ चेक कर ली। अब जो है ना जब ये डिश आउट होगा अभी हमें इसे अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनने के बाद मीन्स अच्छे से भूनने के बाद जो है ना हमने इसको डिश आउट करना है, डिश आउट करने के बाद ये जो है ना क्रीम ऐड करनी है, इसी से सारा जायका आएगा चिकन कढ़ाई का, ठीक है जी। तो वेट करते हैं डिश आउट होने का। यहाँ जो है ना हमारी वाइट कढ़ाई जो है ना रेडी हो चुकी है क्रीम वाली, तो भाई यहाँ देखो हम लोगों ने क्रीम वगैरह ऐड कर दी है, ठीक है। अब बारी है जी रिव्यूज़ की, अब जो है ना हम निकालने वाले हैं इसको डिशेस में, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे फिर डिशेस में निकाल के अपने घर वालों को देंगे, ठीक है जी। नम्मा निकालो, तो अभी जो है ना हम लोग इसको निकालने वाले हैं और घर वालों को देने वाले हैं, और रिव्यू हमारे घर वाले बताने वाले हैं, पापा मम्मा। वो पानी आ रहा है इतना टेस्टी लग रहा है ना पूछो, थोड़ा बहुत अम्मा को भी काम देना चाहिए ना। ये देखो भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी ये निकल गया जी हमारा, ठीक है। पापा आप पहले टेस्ट करके बताओ, एक वो ले लो ठीक है, लाओ रोटी निकाल के दो पापा, बोटी निकाल के दो, रोटी निकाल के दो, हटा दी मैंने। कैसा है? मैंने नहीं खाया, वो सही है, लग नहीं रहा क्या तुमने बनाया? मम्मा खा के चेक करो एक दो बड़ी, दिखाओ मैं भी तो चखूं ना, मैंने बनाया मैं भी तो चखूं ना कैसा है। मंतशा पकड़ना जरा, ये लो भाई ये लो, मंतशा चख के बताओ कैसा बना। मम्मा अभी मैंने बनाया, मैं पूछ रही हूँ बताओ कैसा बना। सुबह नहीं हुआ? नहीं ये देखो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने बनाया ये। आई लव दिस भाई, इतना कोई जबरदस्त बना ना ना पूछो। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करो, इतनी आसान सी रेसिपी है, 1 घंटे में रेडी हो गया और इतना टेस्टी है गाइस, इतना टेस्टी। तो भाई हम कर लेते जल्दी जल्दी पेट पूजा, फिर आप लोगों को मिलते हैं अपना खाने के बाद जो है ना हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। कुछ पेट पूजा कर लेते हैं पहले क्योंकि भूख लग रही है भाई, सुबह से भूख गए, इतना टेस्टी खाना बनाया आप तो पेट फुल करके खाने वाले हैं। सही है, मजे गए? मजे गए अम्मा? मैंने बनाया। कैसा बना? मलाई मलाई आ रही है मुँह में। लोग कहते हैं मैं काम नहीं करती, भाई करती हूँ, देखो पकाती भी कितना अच्छा हूँ, ये देखो हाय हाय हाय, देखो पकाने पे देखो रेशे देखो रेशे नहीं मलाई देखो, हाय हाय हाय। सही है पापा, डन? बहुत मजे का, बहुत बहुत ना, मेरा मुंह में पानी आ रहा है, बस मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो जल्दी ले खाती हूँ, पीती हूँ, ऐश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। 2000 years later बोलो हेलो गाइस, जो है ना मेरी व्लॉग की एंडिंग करेंगी मंतशा सिद्दीकी। तो भाई अब जो है ना आज हमारी व्लॉग की एंडिंग करेंगी मंतशा सिद्दीकी। अच्छा अच्छा, कढ़ाई खाई थी हमने, कढ़ाई खाई थी आज हमने जाने, बहुत टेस्टी थी, बहुत इतनी थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, चैनल भी करें, शेयर भी करें, शेयर भी करें, बाय बाय।